हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग आयुष रेसलिंग। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE के लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की पहली स्टोरी है आस्का से रिलेटेड। तो आस्का ने अपनी इंजरी के बारे में एक अपडेट दी है अपने रिसेंट ब्लॉग में, और उन्होंने बताया कि वो एक रिहैब सेंटर में मूव हो रही है जो कि उनकी हेल्प करेगा उनकी इंजरी से जल्दी रिकवर करने में। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने पहले कभी क्रचेस का यूज़ नहीं किया है, तो उन्हें इसकी वजह से चलने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने उन्हें एक व्हीलचेयर प्रोवाइड की क्योंकि उन्हें क्रचेस यूज़ करके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी चलने में। अगली स्टोरी है कैथी कैली से रिलेटेड। तो कैथी कैली ने अपने एक्स अकाउंट पर एक ट्वीट किया जहां पर उन्होंने मिस्टीरियो को हैप्पी फादर्स डे विश करते हुए लिखा, जस्ट सरे एंड टोल्ड हिम हैप्पी फादर्स डे तो एटलीस्ट समवन डज। तो कैथी कैली ने कहा कि उन्होंने रे मिस्टीरियो को देखा और उन्हें हैप्पी फादर्स डे विश किया कि एटलीस्ट कोई तो रे मिस्टीरियो को हैप्पी फादर्स डे विश करे, क्योंकि डोमिनिक तो उन्हें करेंगे नहीं। अगली स्टोरी है ट्रिपल एस से रिलेटेड। तो क्लैश एट द कासल के बाद ट्रिपल एस ने अनाउंस किया कि क्लैश एट द कासल प्रीमियम लाइव इवेंट ने WWE हिस्ट्री का लार्जेस्ट अरीना गेट का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, और लास्ट मंथ ये रिकॉर्ड बैकलैश ने तोड़ा था और अब स्कॉटलैंड ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो WWE तो अब जहां पर भी अपने इवेंट कराते हैं वहीं पर कुछ ना कुछ रिकॉर्ड ब्रेक होते ही रहते हैं, जो कि WWE के लिए एक बहुत अच्छी बात है। अगली स्टोरी है रिकिशी से रिलेटेड। तो रिकिशी ने अपना नया ट्रैक रिलीज कर दिया है, उसका नाम है वी द वंस। और रिकिशी ने बताया कि ब्लडलाइन के रन के टाइम से ही ये इस ट्रैक को रिलीज करना चाहते थे, और अब उन्होंने फाइनली वी द वंस के नाम से इस ट्रैक को रिलीज कर दिया है। अगली स्टोरी है जॉर्डन ग्रेस से रिलेटेड। तो जॉर्डन ग्रेस ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की जहाँ पर वो WWE सुपरस्टार आईवी नाइल के साथ ट्रेन कर रही है। उसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है, सो विच कंपनीज टैग टाइटल्स आर वी गोइंग आफ्टर फर्स्ट, यानी कि वो ऐसा टीज कर रहे हैं कि ये दोनों एक टैग टीम बनके या तो WWE की वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए जा सकते हैं या फिर TNA की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए जा सकते हैं। अब देखते हैं किस कंपनी के टैग टाइटल्स के लिए ये दोनों सुपरस्टार्स कम्पीट करेंगे। अब ये स्टोरी है लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो से रिलेटेड। तो लिव मॉर्गन ने डोमिनिक मिस्टीरियो को फादर्स डे विश करते हुए एक ट्वीट किया जहाँ पर उन्होंने लिखा, हैप्पी फादर्स डे डैडी, जिस पर रिएक्ट करते हुए डोमिनिक मिस्टीरियो ने एक GIF शेयर की जिसमें लिखा है, वेल शिट। और JD McDonough ने इस पर रिएक्ट करते हुए लिखा, जीसस क्राइस्ट लिव प्लीज। अब देखते हैं कल के मंडे नाइट रॉ में ये डोमिनिक मिस्टीरियो, लिव मॉर्गन और फिन बैलर की स्टोरी लाइन कैसे प्रोग्रेस करती है। तो वैसे आगे बढ़ते हैं आज के फाइनल स्टोरी की तरफ। आज के फाइनल स्टोरी है डेमियन प्रीस्ट से रिलेटेड। तो जैसे कि हमने क्लैश एट द कासल इवेंट में देखा था कि डेमियन प्रीस्ट ने रोप्स के थ्रू जंप लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर एक बोच हो गया और उनका लेग रोप्स के बीच में फंस गया था, जिनकी वजह से उन्हें एक सीरियस इंजरी भी हो सकती थी। लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डेमियन प्रीस्ट को कोई इंजरी नहीं हुई है और थैंकफुली डेमियन प्रीस्ट बिल्कुल ठीक है, और वो पूरे मैच में इस चीज़ को बस सेल कर रहे थे। और शो पर इससे पहले वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, जब जेड कारगिल स्प्रिंग बोर्ड जंप लगाने की कोशिश कर रही थी तो वहाँ पर भी हमें एक वॉच देखने को मिला था। तो इसके पीछे का रीजन सामने आ चुका है। इसी से रिलेटेड एक वीडियो सामने आई है जहाँ पर ए स्टाइल्स और कोडी रोड्स के मैच से पहले रेफरी ए स्टाइल्स को दिखा रहा था कि रोप लूज है, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखे। तो यानी कि रिंग की रोप्स में स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम थी। लेकिन खुशी की बात यह है कि किसी भी सुपरस्टार को इसकी वजह से इंजरी नहीं हुई, नहीं तो जैसे डेमियन प्रीस्ट रोप्स में फंसे थे उन्हें तो बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी हो सकती थी, बट थैंकफुली सब ठीक है। और अगर आपने क्लैश एट द कासल करीब नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।